ਹਲਕੋ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਇਆ ਤੇ ਜਮਨਗਰ ਪੇ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਬਾਂਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ ਕੁਛ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਆ ਅਮੀ ਤੋ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੀ इन्होंने भी फूल वाला कहा जो चुनाव का क्या लगता माहौल चुनाव का क्या लगा जो भी जितना अपना घर भरागा देखिए मौजूदा विधायक जो थे जिस टाइम पर उस टाइम पे यहाँ हमारे एक भूतपूर्व जो विधायक थे उन दोनों में ही खींचतान चलती रही मतलब नियमान है पार्टी मतलब नियमान विकास मतलब है मुद्दा कोई सैल्टी नहीं हुंदा वही है सड़क टूटिया ने पानी शाह भज वाधू है पिंडा दे विच कोई सप्लाई नहीं कोई सफाई नहीं हाँ जी हाँ जी क्या लगता है और हमारे बीच में शाहबाद मारकंडा के नौजवान भी जुड़ चुके हैं क्या नाम है आपका सिद्धूपाल कहाँ रहते हो शाहबाद ही रहते हैं अच्छा क्या पोजीशन लगती है इस बार चुनाव की चुनाव की दावी के बारे में यहाँ पे कांग्रेस की लगती है रामकरण काला की ज्यादा जोर है यहाँ पे अच्छा ये थे रामकरण काला ने पिछले टाइम में कौन से काम कराए क्योंकि आपका एमएलए भी ये पहले जजपा में थे आप कांग्रेस में तो इतना टाइम में इंडिया में नहीं रहा है थोड़ा टाइम अभी 6-7 महीने हो आया हूँ इसलिए बाहर रहा है 10 साल से अच्छा अच्छा तो अभी देखते हैं अभी किसका प्रदर्शन रहेगा अच्छा रहेगा पर ज्यादातर मैंने रामकरण काला के सुना है अच्छा ठीक है धन्यवाद जी हाँ जी हाँ जी अब हमारे बीच में नौजवान और आ गए हैं शाहबाद मारकंडा के और ये जीटी रोड बेल्ट है और हमारी पंजाबी बेल्ट है क्या नाम है आपका अरुण अरुण ऊंचा बोलो अरुण जी अरुण अरुण जी कहाँ रहे क्या काम करते हो मैं ही शाहबाद में रहता हूँ क्या पोजीशन लगती है इस बार जी क्या पोजीशन लगती है चुनाव शाहबाद की पोजीशन तो ऐसी है जब की बार बनेगा रामकरण काला पहले भी रामकरण काला था अभी भी रामकरण काला था वो उसको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है अच्छा पहले वो चौटाले पार्टी काला साहब ने क्या क्या काम कराए काला ने बहुत काम करवाए हैं जी कोई दो बता दो जैसे अपना ये मार्कंडेस है कहाँ कहाँ जैसे अपने बहुत अच्छे काम कराए जी गांव में जो जितने भी गांव है सब जगह कॉलोनी करवाई है हर जगह गांव की सारी गलियां पक्की कराई है और जब ये रोड निकला है ये रोड पे इस रोड पे रामनगर गांव पड़ता है वहाँ पे गांव में जो मतलब रोड निकला था उसकी जगह एक जोहड़ था बहुत तगड़ा वहाँ कौन सा गाँव था वो रामनगर रामनगर में काम कराया वहाँ पे पानी की निकासी नहीं थी तो रामकरण काला जी वहाँ पे पानी की निकासी कराई अच्छा अमर बिहार अमर बिहार में ट्यूबवेल लगाया था अच्छा डेवलपमेंट की थी उन्होंने उन्होंने की और हम खड़े हैं शाहबाद मारकंडा में और हमारे बीच में क्या नाम है जी आपका रामपाल रामपाल और हमारी ये इस जो सर्वे है चुनावी सर्वे हम यही चाहते हैं कि हम नेताओं के बीच में जाएं आम जनता के बीच में जाएं कि जनता जनार्दन ही फैसला करती है राम राम जी आप भाई क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के मुद्दे तो ठीक है मुद्दे जो हमारे ये कांग्रेस पार्टी का है कांग्रेस पार्टी का हाँ क्या लगता है इस बार ये जो हमारे रामकरण काला जी रामकरण काला आप बताइए रामकरण काला जी यहाँ से बनेंगे अब की बार क्यों बनेंगे जी ये एक नंबर आदमी है हर एक के दुख सुख में पहुँचता है अच्छा जी। हाँ जी इस वर्ग का बंदा कोई नहीं है अच्छा जितने एमएलए हैं सबसे बड़ी आदमी है ये हाँ जी आपके साथ खड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल जब मर्जी आवाज मारो 24 घंटे हाजिर हैं अच्छा। आपका नाम क्या है मेरा नाम भूषण आप कहाँ रहते हो शाहबाद मारकंडा शाहबाद मारकंडा शाहबाद मारकंडा की जनता ने अभी तक जो हमने सर्वे देखा उसमें रामकरण काला का नाम आगे जा रहा है अब हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं शाहबाद मारकंडा विधानसभा के अंदर और हमारे बीच में जूस वाले अंकल जी हैं क्या नाम है अंकल जी आपका पल्लाराम है जी हाँ जी पल्लाराम है जी पल्लाराम जी इतना फोटो आएगी आपके आगे आ जाओ हाँ जी हाँ जी अरे कोई इधर आ जाओ आप अच्छा ये बताइए आप कहाँ रहते हो ये सुजाजपुर पट्टी में जी सुजाजपुर पट्टी मारकंडा अच्छा क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको हाँ जी क्या लगता है चुनाव में चुनाव में ये भाजपा भाजपा हाँ जी भाजपा रामकरण काला के बाद ये जूस वाले अंकल ने कहा है कि यहाँ पर भाजपा आएगी अच्छा ये तो बता दो हाँ जी, ये तो बता दो ये जाना है उम्मीदवार कौन है भाजपा का हाँ जी भाजपा का उम्मीदवार ये सरपंच है अच्छा सुभाष कलसन हाँ जी हाँ जी अच्छा सुभाष जी को इस बिनो ने कहा है और हम आगे चलते हैं आगे जूस वाले अंकल आ जाओ जी अब हम आगे आगे जाते हैं हाँ जी नमस्कार जी आइए हाँ जी क्या नाम है जी आपका रजिंदर सिंह जी कहाँ रहते हो आप ये मामू माजरा गांव में कौन सा ऊंची बोलिए मामू माजरा गांव में ये बताइए गांव की पोजीशन कैसी है यहाँ पर चुनावों में यहाँ बीजेपी के चल रहे आ गए बीजेपी के हाँ जी सुभाष कलसाना आज तक काले ने कुछ नहीं किया जेजेपी में रह के अच्छा हाँ यहाँ का विकास नहीं किया उन्होंने यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको मुद्दे तो बहुत है अच्छा हाँ जी ऐसा
कुछ नहीं है कि इसने आज तक कुछ नहीं करा, ये देख लो रोड कैसा पड़ा है। अच्छा मुझे ये बताइए बीजेपी के कौन कौन से मेन काम हुए यहाँ पर? बीजेपी के तो बहुत काम हुए हैं, सब ऑनलाइन काम कराए हैं। ऑनलाइन काम, जनता संतुष्ट है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रजिंदर सिंह। रजिंदर सिंह ने भी बीजेपी पे उम्मीदवारी जताई है। अब हम आगे चलते हैं इस एरिया में। अब हम बैठे हैं अपने पंजाबी बेल्ट कहते हैं इसको, शाहबाद मारकंडा का, और हमारे साथ जत्थे साहब भी आ गए हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जत्थे साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा क्या नाम है आपका? दलबीर सिंह। उच्ची बोली प्लीज। दलबीर सिंह। अच्छा गांव कौन सा आपका? रतनगढ़। रतनगढ़। क्या पोजीशन लगती है यहाँ पर आपको? मेरे को तो ठीक ही लगती है, कोई बराबर ही चल रहा है। अच्छा ये मुझे एक चीज बताइए जत्थे साहब की जो अपना किसान आंदोलन है इस बेल्ट पे असर करेगा चुनाव में? आंदोलन इतना नहीं हिसाब किताब लाया जी, हिसाब किताब है नहीं मतलब। ठीक है ठीक है। तो अच्छा अब क्या लगता है अब हम आगे चलते हैं ऑटो। अच्छा आपकी ये बताइए ऑटो चलाते हो? ऑटो यहाँ पर ऑटो वालों को दिक्कतें हैं कुछ जो आप सरकार को कहना चाहते हो? लाइसेंस मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू। रिंकू ऑटो वाला। हाँ जी रिंकू ऑटो वाला, ये बता भी क्या दिक्कतें हैं ऑटो की? दिक्कतें बताओ पहले, ठीक नहीं, ताकि आप अपना काम तो करवाओ। क्या दिक्कतें हैं आपकी? पर दिक्कत है ये गाड़ी रुक गए, लाइसेंस बनवा अपना। लाइसेंस तो बनाने पड़ेंगे। हाँ जी बगैर लाइसेंस थोड़ी चलाओगे गाड़ी? वही तो है ना, तो गरीब बंदे कहाँ से लाएंगे लाइसेंस बनवा जी? अब गाड़ी चला रहे क्राइम चला रहे गाड़ी तो। अच्छा अच्छा लाइसेंस की दिक्कत आती है। अच्छा ये बताइए चुनाव को किस दृष्टि से देखते हो जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर? चुनाव कौन लगता है कि आपका काम करेगा? काम देखो जो जो बनेगा वही करेगा। बनेगा कौन, उसकी उम्मीद लगती है? उम्मीद तो है फूल वाले की है। फूल वाले की, इन्होंने भी फूल वाला कहा और हमारे बीच में अब ये आ गए। हाँ जी क्या नाम है आपका? जी तरसेम है जी। तरसेम जी देखो पंजाबी बेल्ट है ये और पंजाबी साडे पूरे जोरा छोरा दे नाल खड़दे हैं और दसन के दिल दी गल्ला। हाँ जी दसो जी। हैं अब किसान है रोड पे पड़ा है किसान हैं, बोली आनी थी 23 तारीख ने हैं, तो अब एक तारीख ने कर दी हैं, मारी जीरी कटी पड़ी घर पे। अच्छा कहां ब्लॉक करें उसका? अच्छा ये बताइए आपके यहाँ पर कौन से मुद्दे मेन है? मेन मुद्दे तो किसान का ही है जी। किसान आपको भी आएंगे जितार सिंह जी आएंगे आपकी तरफ, पहले इनको बोल लेने दो। मेन तो मुद्दा किसान का ही जी, किसान का हमारी मजबूरी है जी। यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट तो जी आम सोच रहे बदलाव। बदलाव बदलाव किस तरफ है मतलब? क्योंकि देखो ऐसे है ना, आप अगर बदलाव करोगे तब भी राम करण काला, नहीं करोगे वो पहले उसने काम किया था। आप सारे तरफ अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अंकल बस हम चाहते हैं ना जो हमारा विकास हो ना हमारे बच्चों को। ओ एक मिनट खड़ जा भांजा वे तेरा अंकल, अंकल भांजा ठीक है आराम ना बोल। तो हम बदलाव चाहते हैं, हमारे विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चे लोग यहाँ के शाहबाद मारकंडा के लोग विकास चाहते हैं। हाँ जी अब बोलो आपका नाम क्या है? बड़ी सिलपानी जी सुरते सरपंच का भाई हूँ मैं, छोटा जी बड़ी सिलपानी कलां से। अच्छा हल्का और हल्का जी अपना शाहबाद समालाबाद। ओ बस बस बुलाया जी हमने घर पे। अच्छा। पकौड़े चाय फूल बांडी है। हाँ। किसी ने वोट देनी हो दे देगा, नहीं देगा तो वो भी छुट्टी है। बहुत अच्छी बात कही है किसने, पकौड़े पकौड़े चल रहे हैं सब, वोट पाता ना भी ठीक नहीं तो ना भी। हां जी हां जी हां जी। क्या लगता माहौल यहाँ का भाई? अजय अपना भाणजा लगता वोट क्यों नहीं देवांगे? वोट क्यों दोगे? अच्छा ठीक है अच्छी बात है। हाँ जी अब बोलोगे? हाँ जी बेटे क्या नाम? हाँ बोलोगे आप बाबा जी आ जाओ आप। क्या नाम है आपका? राम रतन। उच्ची बोली राम रतन। गाँव कौन सा? कतलारी। हाँ जी कतलारी। उकलारी कतलारी। अच्छा हल्का शाहबाद। ये बताइए कि शाहबाद में कौन सी डेवलपमेंट हुई है आप बताइए, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में? या ना तो ये ना हुआ है? ना तो वही ना हुआ, ना होगी भी नहीं, ना होगी भी नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। जो चुनाव का क्या लगता माहौल? चुनाव का क्या लगा जो जीत तक अपना घर भरागा। अच्छा अच्छा तो आप वोट झूठ डालना बस? नहीं डाल दे, ये तो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। नो नो नाराजगी होगी अब? नाराजगी हमारे। अच्छा इन्होंने अब कहा कि हमारी नाराजगी है, पहला इंसान देखे जो कह रहे हैं हमें नाराजगी हो गई है, बस किसी को वोट नहीं डाली। हाँ जी कुछ धंधा नहीं। अच्छा नमस्कार जी। क्या नाम है? राकेश कुमार शर्मा। कहाँ रहते? मैं मायरी मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, हम भी यहाँ पर सुबह से ग्राउंड लेवल रिपोर्ट कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि जनता की क्या दिक्कतें थी, कौन से जो मेन काम जो नहीं हुए डेवलपमेंट के उसके बारे में पता करना चाहते हैं। आप ये बताइए आप अपने मौजूदा विधायक थे जो उनकी कार्यशैली से खुश हो? देखिए मौजूदा विधायक जो थे उस टाइम पर यहाँ हमारे एक भूतपूर्व जो विधायक थे उन दोनों में ही खींचतान चलती रही। अच्छा जी
और पहले विगत जीवन में उनका क्या जो है स्तर था ये सभी को पता है, लेकिन जनता ने जिसको चुन के भेजा, ये तो है नहीं कि भाई मेरे एक जिसको चुन के भेजा उसने काम किए, वो काम करता लेकिन उसे करने ही नहीं दिया गया, करने नहीं दिया गया। जी हाँ, खींचतान रही हमेशा। अच्छा, क्योंकि मैं तो स्कूलों में, मैं खुद जो है गवर्नमेंट स्कूल का प्रधान हूँ। अच्छा, एसोसिएशन का, वहाँ की जो समिति है, शिक्षा समिति। हाँ, तो आपको क्या लगता है, तो जिस समय उन्हें बुलाया गया ना, तो उन्होंने ये समझ लो एक दूसरे की खिंचाई करते रहे बच्चों के हित के लिए, या किसी के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं कि बच्चों का भला होना चाहिए, स्कूल का जो है कुछ विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, फिर ये बताइए अब आप क्या चाहती है जनता, आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जी कि हमारी कांग्रेस सरकार आए, और कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। फिर भी घूम फिर के काला आएगा, कांग्रेस सरकार आई तो। हाँ जी, क्यों जी, फिर भी तो काला ही आएगा। हाँ, बिल्कुल, बाईपास से चक्कर लगा के फिर काला। हाँ, ये देखो। हाँ जी, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं जी कांग्रेस सरकार आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पार्टी से मतलब नियमन है, पार्टी से मतलब नियमन है, विकास से मतलब है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पार्टी विकास से मतलब है, इंसान से मतलब है। सज्जन है पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो बोल भाई, तू बोल ले। आजा, हाँ, बोल, सलपानी से बोलो, कितने बार घर पे बुलाया गया, चलो घोड़े खिला दिए, बिलियार गिर सरपंच के घर भी आया, पकोड़े खिला, मेरा बड़ा भाई भी सरपंच है, ओ ठीक, पकोड़े खिला दे। हाँ, और जनता खुश है। हाँ जी, जनता खुश है, क्या बात है, लोग खुश है, बोलो, और सामने देख, खुश है जनता, ठीक है, खुश है, ठीक है। आ जाओ, हुन पास सुन, हुन आके बोले, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये दसो जी, अपने उरे की मुद्दे है इलेक्शन दे, इलेक्शन दे मुद्दे तो उही ने, जे मुद्दा पास करा हुंदा ये दसो पहला। हां जी, मुद्दा कोई सेल्टी नहीं हुंदा। अच्छा, उही है, सड़कां टुटियां ने, पानी शाबा च वधू है, पिंडा दे विच कोई सप्लाई नहीं, कोई सफाई नहीं। अच्छा जी, ते हुन की लगदा थोनूं की आ जे इलेक्शन जिहड़े चल रहे हैं, आ रहे हैं, उहनां च वी की लगदा थोनूं बदलाव के उसी एमएलए ते करूं? ना ना, बदलाव 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 यानी कि इत्थे ते मेन गल वी कांग्रेस लियानी है। अच्छा, ठीक है ना, यानी शाहबाद मारकंडा वो जगह है, अगर बदलाव भी कहेंगे तब भी बदलाव घूम फिर के काले पर ही आएगा। हाँ, यानी काले से शुरू हुआ, काले भी खत्म है यहाँ पर। तू फिर आ गया, तू फिर आ गया, पकौड़े खा ले, पकौड़े खा ले, पकौड़े पकौड़े की ही रहेंगी, बस काले की बोटियां रहेंगी। और बोलो सलपानी हल्के से, सरपंच का भाई, सरपंच का भाई, बस ठीक है। अब देख भाई का नाम सामने क्या था, हाँ जी, लाभ आऊंगा, फिर भी काला ही है, काला ही है। खेल तू जाके खेल, बस चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो काले ने कम कितने हैं मेन, देखो एक काम एज इट इज, क्लियर है भी जे सरकार नहीं तो कोई एमएलए दे वास नहीं, ओही जेड़े उन्हें ग्रांट साल दी मिलनी है, ओही उन्हें लानी है, उन्हें किन्ना काम कर देगा, उन्ना को उन्हें किता होया है। अच्छा, काम कितने मतलब? हाँ जी, उन्ना को किता होया है, लोकां दे मसले हल कीते। अच्छा, मेन गल एमएलए ओ चाहिदा है जेड़ा लोकां दी गल सुन लवे, होवे ज ना होवे ओ बाद दी गल है, ठीक है, एक गल सुनदा इहदे कोल जाने, एक गल सुन लैंदा, बस मेन इही है। अच्छा, मैनूं इह दस्सो, अच्छा मैनूं इह दस्सो, तुसीं काले कहिंदे, काले दी क्या खूबी क्या है? कोई खूबी तो होगी ना, जिसका सारे लोग कह रहे हैं, कोई ना कोई खूबी, निम्रता है, नम्रता। अच्छा, नम्रता है, प्यार नाल गल करदा है, जे जाएगी उनके कोल प्यार ना रहिंदा है। अच्छा, बस निम्रता है उनके कोल। हां जी, सुख दुख में, सुख दुख में जैसा भी कुछ भी होता है, सुख दुख में जो भी होता है, हूं तो खुश है। लंबर ला दे भाई, सरपंच के भाई पकौड़े खिला दे, हूं तो खुश है, बस जनता को बोलना, बस बस। सुख दुख में जैसे काला होता है, काला किसी ने पता भी लग गया ना, माने किसी बच्चा बीमार हो गया तो साथ के साथ ही पहुंच जाता है वहाँ। देखो एमएलए की एक, देखो एमएलए तो हर पार्टी जीतता है, लेकिन खूबी चाहिए जनता के बीच में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं काला जनता के बीच में रहा, बस। हाँ, काले की सब तो वड्डी खूबी है, मान लो कोई डेथ हो जाती है, उनका बेटा कोई 200 किलोमीटर दूर बैठा है ना। अच्छा, वो बेटा बाद च आएगा, ये पहला उन्होंने दुख च शामिल हो जाता है। इंसान को वोट पड़ेगी यहाँ पर। पकौड़े खा ले, बस चुप हो, चलो अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, अब आ जाओ जी, अरे फला वाले आ जाओ जी, भाई काला काला छाया पैर होता भाई। हाँ जी, और हमारे बीच में अब फलों की जो रेड़ियां यहाँ से सर्वे कर रहे हैं कि शाहबाद मारकंडा की पोजीशन क्या है। नमस्कार जी, ठीक है सारे जी। नहीं, सुन, नाम क्या? हाँ जी, नाम क्या है? नाम है बलबीर सिंह। ठीक ही लगता है, सब ठीक लगता, सब कुछ ठीक लगता, शारे शोरों में बोल दिया। अब हम चलेंगे आगे फलों की दुकान पर। नमस्कार जी, आगे था, आगे। क्या नाम है आपका? जुगनू। अच्छा, ये दसो
आप फल किनू मिलूगा मेहनत का? फल मिंद करने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, तुसी फल, तुसी फल बेच रहे हो, की लगता इस बार इलेक्शन चोरे? किसी का ला लो, सब ठीक है। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर रेडियो चला रहे हो, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नगर निगम की तरफ से कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई ओए नहीं कहता। अच्छा, हाँ यानी शांतिपूर्वक काम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी भी काम की। अच्छा, आपका गांव कौन सा जी? शाहबाद। शाहबाद की? हाँ ठीक है जी, आइए बेटे। ये हमारे बीच में खूबसूरत नौजवान ये जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? सन्नी। ऊंची बोलो। सन्नी। सन्नी नाम है, कहाँ रहते हो? शाहबाद में। सन्नी ये बता कि यहाँ पर क्या लग रहा है, इलेक्शन हो गए शुरू? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है? पंजाबी समझ लेना। हाँ हाँ समझ। सारी पंजाबी बैठ है ना ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा की लगता है तेनू इलेक्शन दा? लगता है काला जीतूगा। दस पंजाबी च सर अपनापन बहुत है, है ना? सही गल है। की लगता दस मैनू? काला जीतूगा कहिंदे। यार काला काला हो गया, क्या चक्कर की है उरे? ओ भी जत्थे साहब भी कहिंदे पिंड वाले आंदे ओ कहिंदे करसाने वाला जीतूगा। अच्छा करसाने वाले काला जेड़ा। पता क्या जो सारे सभी कहेंगे ना, हमें ना समझने लग जाए कि ये काले की बंदे हैं जो सर्वे कर रहे हैं। हम तो न्यूट्रल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं हम किसी। और फिर आ गया टेंपो बस ठीक कर ऊंचे लवा भाई, देख इधर तिमल लटके दे जा रहे, इस तरह थोड़ी राम करन काला। ओ तू चिंता नहीं कर, तू पकौड़े खिला पिंड जाके चल ना। क्या बड़ी गड्डियां लवा यार, बड़ी गड्डियां लगेगी। टेंपो पर लटका रखे राम करन काला, टेंपो लगूगा। अच्छा बंद, चलो आज नमस्कार। क्या नाम है आपका? ए पी राय देखेंगे तो बाबू राव। हाँ जी गुलाब सिंह जी नाम। अच्छा हाँ गुलाब सिंह कहाँ रहते हो आप? मैं रामनगर गांव है मेरा, साथ में मारकंडे पार। अच्छा मेरे गुलाब सिंह जी ये बताइए कि इन चुनावों में मेन मुद्दे क्या हैं आपके, यहाँ के लोकल बताइए। मेन मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जिम्मेदार का है, फसल का है। अच्छा जो जीरी खराब हुई है, जीरी खराब हो रही है, आगे मतलब परचेज नहीं चल रही है। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये गवर्नमेंट तो कह रहे हैं परचेज कर रहे हैं किसान। देखो जाके जी कुछ भी नहीं, दो दिन से मैं मंडी में बैठा था, ये कह रहे मैं खुद मंडी में बैठा हूँ, जीरी का नुकसान हो गया है और खरीद नहीं हो रही। खरीद नहीं हो रही बिल्कुल। अच्छा तो अब आप स्थिति में एक किसान क्या करेगा? किसान तो मजबूर है, क्या करेगा जी? किसान मजबूर थोड़ी होता है, किसान तो अन्नदाता है। जब अन्नदाता मजबूर हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? नहीं क्या करें जी बताओ, मैं दो दिन से बैठा था मंडी में। अच्छा आज उसको आके कौन सी मंडी में? शाहबाद अनाज मंडी में। शाहबाद अनाज मंडी में किसान कह रहे हम दो दिन से बैठे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो परचेज है नहीं। देखो ऐसे है, लोकतंत्र में चोट हमेशा चुनाव में होती है, वोट की। चुनाव में तो होगी जी, बदलाव तो देखो आएगा जी। अच्छा हाँ बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। तो इन्होंने भी कह दिया कि बदलाव आएगा इस बार। हाँ जी आज। और हमारे बीच में यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं। हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी दसामड़ है जी। तो मोटरसाइकिल बंद कर दे, आवाज आ रही है। हाँ, गोल्डी हाँ द्वार से। हमारे बीच में क्या नाम आपका? गोल्डी है जी। गोल्डी कहाँ रहता है? मैं जी कुरुक्षेत्र जिले का हूँ। हाँ? और गांव मेरा झांसा है। अच्छा वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा क्या लगता है यहाँ पर? हाँ जी क्या लगता है तेरे गाँव में झांसा में? झांसा में मेरा पेवत सील लगता है। पेवे में क्या पोजीशन है? पेवे वाले भी आ गए, शाहबाद के अंदर पेवे वाले ही पहुंच गए हैं भाई। हाँ दसो क्या पूछ रहे हैं पेवे जी? बाब जी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक सीट के पीछे ना कम से कम 30 आदमी है। वो तो लगेंगे लगेंगे। पार्टी है सिर्फ एक या दो, पार्टी है एक या दो। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं आने वाले भविष्य के बारे में यही कह सकते हैं कि हर प्लान के अंदर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा सरकार बदले, हिंट दे दिया है गोल्डी ने, हिंट दे दिया है। हाँ अभी क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी सामने देखो। 20 साल 15 साल रह के सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ चलो। हाँ जी सुखविंदर सिंह जी, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते वैसे भी। हो गया ना बहुत ज्यादा, बुरा हाल, इतना बुरा हाल हो गया। ठीक है हम तो कुछ नहीं कहना चाहते वैसे भी, मानव तो जैसे जो होना चाहिए ना वो हो नहीं रहा। बताइए क्या दिक्कतें क्या आ रही है यूथ को? क्या कोई गली सड़क वो नहीं बन रही है? जब लॉकडाउन में मान लो अब भी वैसे भी काम हो रहा है, महंगाई इतनी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। तो आप क्या देख रहे हो आप आगे? हम तो यही देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, आगे से आगे बढ़ती। शाहबाद की जनता क्या देख रही है? अब हम तो कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा ये कह रहे हैं महंगाई है लेकिन पता नहीं चलता अब कहाँ जाएं। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ सिलेंडर, सिलेंडरों का मुद्दा, हाँ सिलेंडरों का मुद्दा सुनो। सुन भाई इधर आ जा। हाँ मैं क्या सिलेंडर दे दिया फ्री में और खोस दिया सब कुछ। अच्छा हाँ सिलेंडर फ्री में दे दिया और खोस सब कुछ लिया। अच्छा हाँ वो सिलेंडर का क्या कर रहा है? एस सी एस सी वाले भाई उनके घर पे, जो सी एस सी वाले हैं उनके घर पे एसी लग गए, हमारे घर पे चूनते भी खाली रह गए। चलो ठीक है ये मुद्दे होते हैं जो को चुनाव में जनता चुनाव के अंदर ही बोलती है। और ये देखिए जनता तो कितनी खड़ गई है। ओ, ना तो मंत्री हमें
ना कुछ। जी हमने दिहाड़ी करनी है और खाना खाना है भाई। हमने कहा तो दिहाड़ी करनी है, चाहे 200 की, 400 की, 500 की हो। अच्छा हाँ, कोई मंत्री हमारे घर में कट्टे नहीं दे, भर के देखा ऊपर से घेरेगा या खुद लेके आएगा। रके जी कैमरा भाई कितने लोग इकट्ठे होकर देखिए जरा, जो यहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। काम करना है कैमरा, पीछे लेडीज कितने खड़ी हैं, ये सब आम जनता है यहाँ की, पीछे से उतरे खोलो खड़े। यहाँ भाई मंत्री कोई देने आएगा हमें? अच्छा हाँ, 3 लाख जनता में बोलो, सामने बोलो, कौन आएगा? हर बंदा कह रहा है 5 किलो 5 किलो गेहूँ दे रहा मैं, 5 किलो 5 किलो गेहूँ का आज रड़ा के खा लेंगे उसने। उसमें दाल भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, उसमें सब चाहिए, मतलब खाना पीना ठीक है ना? चलो ठीक है, और आगे कौन पे तू बोलेगा? तू बोले बोले बोले, चल क्या नाम है तेरा? साहिल जी। साहिल बोला, साहिल बोलेगा अभी। साहिल कहाँ रहता है? डल्ला में, डल्ला माजरा जी। ये कहाँ पर रहता है? होड़ के पास। ओहो कहाँ है? हल्का कड़ा मालाबाद। मालाबाद, उस मालाबाद वाले भी आ गए भाई, दसो क्या पूछना उधर? कुछ नहीं है जी, सारी जगह एक ही है, बस सारी जगह पर एक भाई, इस मालाबाद उन्होंने कह दिया। राज और के जी हम जनता की जाते हैं। हाँ चलो आ जाओ, हम भी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप क्या नाम है? जयपाल। जयपाल, जयपाल जी क्या लगता है चुनाव? चुनाव में तो ऐसा है जी, हमारा हम अलशाबाद हल्का से हैं, हमारा जो है ना टिकट जो वितरण हुआ वो सही नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ? टिकट वितरण पर क्वेश्चन चिन्ह उठाया इन्होंने। हाँ जी, क्योंकि एक तो मुद्दा हमारा अभी चलो बदलाव चाहिए, बदलाव के नाम पे हमारे ऊपर नशा मिल गया। अच्छा अच्छा, भी यहाँ पे दिक्कत का भी व्यापार चलता है, अभी किस किधर जाए आम जनता, किधर जाए किधर नहीं ये नहीं पता लग रहा। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी फसल जो खड़ी, हमारा जो सोना जो खड़ा उसके पर किसी का भी ध्यान नहीं है भाई। देखिए शाहबाद मारकंडा ये एरिया किसानों का एरिया है, और यहाँ पर किसानों ने कहा हमारी फसलें खड़ी हैं, फसलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना सरकार दे रही है ना मंडी दे रही है, और किसान वहां पर आज भी, कल बरसात हुई है वहां की, वहां जीरी खराब हो रही है, जीरी खराब हो रही है, दर दर भटक रहे हैं। देखो जी अब थोड़ा सा सूखा पड़ा था, मारे को ना क्या बना रखा है मुद्दा वोट के लिए, बस सूखा पड़ा थोड़ा सा, तो हमारे को सपना दिखा दिया कि 2000 रुपए पर एकड़ के आपको मिलेंगे सूखे के नाम पे। अब जब तो जीरी लगी भी नहीं थी, जब तो जीरी छोड़ छोड़ी थी, अब जीरी पड़ गई, जीरी कटने कट गई, अब उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, मुआवजा भी नहीं दे रहे। हाँ आजा आजा, इधर इधर इधर, सुनो कुछ मार के बोला। हाँ 13 तारीख की बोली ही, सुनो मेरी गल, 23 तारीख की बोली कर गई, फसल भैन जो सड़ती पई ने पानी चे, दस की करिए, देगा मोदी, देगा आगे पैसे, देगा मोदी पैसे आगे। देखो ये ये नौजवान कैसे बिलख रहे हैं, ये कैसे परेशान है किसानी को, देगा मोदी पैसे आगे, फसल खराब हो ये देगा मोदी आगे पैसे। चल हुन बोल लिया ना, रोड पे पे सी ये कह रहे हम रोड पर बने, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी ठीक है ठीक है, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं भाई है, सिर्फ वोट का ध्यान है, ये कह रहे सिर्फ वोट का ध्यान है, कोई किसान किसी के बारे में कोई नहीं सोचता, तो आगे का फिर क्या सोचता है? अगर देखो तो मंडी में देखो हाल क्या हो रहा है जिम्मेदार का, खेत में जाके देखो ना जिम्मेदार के पल्ला क्या रह गया यार, हम रोड पे जाके देखो, ब्राडे रोड पे जाके देखो, लाडवे रोड पे जाके देखो, मंडी कृषि प्रधान देश आइए क्या करेंगे, कृषि नहीं जिम्मेदार के पल्ला क्या आगे की होगा, मजदूर के पल्ला क्या रहेगा, बताओ ना आप ही बताओ। मैं तो ये कह रहे हम बदलाव करेंगे। हाँ जी ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, हाँ सही सही है, आओ जत्थे साहब, आ जाओ तुम भी, आ जाओ आ जाओ जत्थे साहब, आ गए साढ़े, आ जा रखे जत्थे साहब आ गए, और हमारे बीच में हमारे पंजाब दे जत्थे साहब खड़े हैं। जत्थे साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा किवें लगदा इलेक्शन, पहला दसो नाम की होंदा? निशान सिंह। अच्छा किथे रहंदे हो? इत्थे शाहबाद मारकंडा दे नाल बिलोंग है, पिंड करदा है बुकर माजरा। अच्छा की माहौल है इधर दा दसो? ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਇਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆੜਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰੋੜਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕੋਨ ਕਾਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪੱਟੀ ਨੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਹਿਤਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੀਦੀ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲਸਾਣਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਉਸੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਰਮਜਾਨ ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਬਤਾਵਾਗੀ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬਤਾਵਾਂ ਆ ਵੀ ਆ ਜਨਤਾ ਬਤਾਵਾਗੀ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਨ ਪਲਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਬਤਾਵਾਗੀ ਜਨਤਾ ਬਤਾਵਾਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆ ਕਰਾ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਆਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਿਨਾ ਖਰਚੀ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੌਣ ਸੀ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਬਗੈਰ ਖਰਚੀ ਪਹਿਲੋ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਾ ਦੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਐਸਾ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਬਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਛਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਮੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਮੇ ਉਸਮੇ ਨਾ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਕੰਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕੁਝ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੇ ਅੰਡਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲਾਵਾਗਾ ਉਸ ਬਾ ਮਾਲ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਤਨਗੜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਈ ਇਨ ਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 75 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਅਰ ਇਹ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਭਰਤੀ ਇਨ ਕੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 24 25 ਸਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਕੀ ਨਿਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਲਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਸਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਉਸਕਾ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਆਇਓ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਚਪਾਲ ਪਰ ਨਿਰਭੀਕ ਹੋਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਮ ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਆਵਾਮ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਆਵਾਮ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਂ ਕੌਣ ਆਗੇ ਬੜੇਗਾ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੈਂ ਔਰ ਆਗੇ ਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਹਮ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹਮ ਬਸ ਬਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਆ ਹੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ ਰਾਜਮਾ ਜੀ ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਣਾ ਮੁਲਾਣਾ ਕੀ ਕਿਆ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚੜ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਮੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ
ये फूल कह रहे हैं। नमस्कार जी। फूल है जी। अच्छा है, बहुत फूल है। तो अब हम आगे चलते हैं। क्या लगता है? देखो वैसे करना तो किसी ने कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, पर बोर्ड जरूर डालना। हाँ डालेंगे, बोर्ड तो हमारा अधिकार है ना। वो तो है ही है। क्या नाम आपका? सुखमनी। क्या लगता है बेटे यहाँ पर? संजय कुमार जी। कहाँ रहते हो? पानीपत से आए जी। पानीपत वाले भी आ गए भाई। हाँ मोदी को देनी है जी। पानीपत ग्रामीण के शहरी? नहीं शहरी है जी, शहरी महीपाल वाला। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मोदी को देनी है। मोदी को तेरी वोट है। अच्छा हाँ बेटे, तेरा था? सुरेंद्र देसवाल। सुरेंद्र देसवाल, कहाँ बेटे, कहाँ जगह से रहते हो? ओली जी, यहीं बराड़ा के पास है। क्या पोजीशन है बराड़ा की? हमारा तो कांग्रेस का ही जोर है। कांग्रेस का जोर आपका? इसकी मेरे बाबू का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बस के अंदर सारे सवारियां ना दिल खोल के बताती है और नीडर होकर बताती है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सर भाई क्या नाम है जी? राजेश। एरिया कौन सा आपका? सडोरा जी। सडोरी क्या पोजीशन है? सडोरा तो हमारे उधर भाजपा ही है। भाजपा सडोरा भाजपा। हाँ जी। तो हाँ जी, तुसी? अपनी वोट ही नहीं है जी। वोट ही नहीं है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आ जाओ आप नीचे चलते हैं। बस का सफर हो गया, नीचे सवारियां खड़ी, उनसे पूछते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सडोरा जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? नरेंद्र कुमार। रहते कहाँ आप? सडोरा। सडोरा, सडोरा। सडोरे में क्या लगता है जी इस बार? बीजेपी है। बीजेपी सडोरा में कह रहे बीजेपी। शाहबाद मारकंडा के हम यहाँ पर खड़े हैं बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड में एक एक चीज की एग्जैक्ट पिक्चर पता चलती है और सुबह से हमारा यही काम है कि हम जनता के दिल तक जाकर उनकी बात करें और उनके मुद्दे क्या है वो हम उठाएं इस मंच से। हाँ जी, और आगे आ जाते हैं, हम चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बलजिंदर सिंह है जी। बलजिंदर जी, क्या काम करते हो? मैं रोडवेज में हूँ। रोडवेज में? अच्छा, क्या क्या लगता है इस बार? रली मिला है अभी तो सभी का, जो काम करेंगे वो जीत जाएंगे। देखो इन्होंने कहा कि रैली मिली है लेकिन जो काम करेगा वो आगे आएगा आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकते। अब हम आगे चलते हैं, ये सवारियां और भी खड़ी हैं। हाँ जी, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, रैली मिली सरकार। जिगीर सिंह। हाँ जी जिगीर सिंह, कहाँ रहते हो? यही जहाँ खड़े हैं अब। शाहबाद गई हो? हाँ जी। क्या लगता है इस बार शाहबाद? ये भी तो टक्कर है धोनी के बराबर। टक्कर है, ये कह रहे टक्कर है शाहबाद मारकंडा के अंदर। लेकिन हम हाँ जी, हाँ जी बोलिए, मुद्दे क्या है यहाँ पर? मुद्दे टक्कर मुद्दे की है कि वोटों की है? दोनों के बराबर है। दोनों के बराबर है। शाहबाद मारकंडा में देखना मुद्दों की ही कह रहे हैं टक्कर है और वोटों की टक्कर है और हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हाँ जी, क्या नाम है? गुरप्रीत। गुरप्रीत, गांव इस रेहड़ी हल्का लाड़वा। लाड़वा, लाड़वा तो हमने पहले भी कहते, कल भी कहते लाड़वा हम। तो क्या पूछने लगते हैं? वोट जरूर डालना, वोट जरूर डालना, इंटरेस्ट हो चाहे ना हो लेकिन वोट जरूर डालना, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया हमें, ठीक है, वोट जरूर डालना। आपका नाम? मुकेश कुमार। उगाला में। उगाला में अंबाला। वहाँ क्या लगता है? अंबाला शहर के कैंट। क्या लगता है आपको? ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। क्या अंबाला का भी इन्होंने हिंट दे दिया है बातों बातों में कि वहां पर बदलाव नहीं लेकिन हम साथ देंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अर्थ प्रकाश की टीम हरियाणा के गांव गांव में जारी है और यहां पर शाहबाद मारकंडे का हमने जीरो लेवल सर्वे किया और देखा कि अर्थ प्रकाश चुनावी चुपाल में लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और चैनल को अपना प्लेटफॉर्म समझकर अपने दिल की बातें रखी। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश टीम।